ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न है जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तिरंगे वाले डोरमेट को वेबसाइट से हटाने के बाद अब अमेज़न की साइट पर बापू महात्मा गांधी की तस्वीर वाली चप्पलें बेची जा रही हैं। तिरंगे के अपमान पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की चेतावनी से भी अमेज़न ने सबक नहीं लिया। दरअसल ई कॉमर्स साइट अमेज़न पर बापू की तस्वीर वाली चप्पलें बिक रही हैं। अमेज़न की इस हरकत पर एक यूजर ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से शिकायत की है। पहले तिरंगे वाला डोरमेट और अब बापू की तस्वीर वाली चप्पलों को लेकर सोशल मीडिया में अमेज़न के खिलाफ लोगों का काफी गुस्सा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कनाडा में अमेज़न पर बेचे जा रहे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज वाले डोरमेट पर सुषमा स्वराज ने सख्त आपत्ति जताई थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि अमेज़न इस मामले में बिना शर्त माफी मांगे और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले सारे प्रोडक्ट तत्काल वापस ले। इसके साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चेतावनी भी दी थी, अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगे हम अमेज़न के किसी अधिकारी को भारतीय वीजा जारी नहीं करेंगे, हम पहले जारी किए गए वीजा भी रद्द कर देंगे। इसके बाद अमेज़न ने वेबसाइट से तुरंत प्रोडक्ट हटा लिए थे और बाद में माफी भी मांगी थी। तो तिरंगे वाले डोरमेट के बाद अब बापू की तस्वीर वाली चप्पलों से अमेज़न की मुश्किलें तो जरूर बढ़ गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय की तरफ से अब क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखना फिलहाल बाकी होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।